NBR as in newborn resuscitation. Newborn resuscitation NBR. ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए? बैग इन मास्क चाहिए। ये हमारा मास्क है, ये बैग है, एम्बो बैग। ठीक है, इसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट हो गया, हम की हेल्प से इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बैग इन मास्क चाहिए हमें, म्यूकस एक्सट्रैक्टर चाहिए सक्शन करने के लिए। ठीक है, ग्लव्स चाहिए हमें, ऑक्सीजन स्टेथोस्कोप, शोल्डर रोल, बच्चे के लिए कैप और टाई सब कट करके रखेंगे। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे, हमने अपना रेडियन बॉम्बर 20 से 30 सेकंड पहले अपना ऑन करके रख लिया रेडियन बॉम्बर। ठीक है, हमारा रेडियन बॉम्बर बच्चे के लिए 20 से 30 सेकंड के लिए ऑन है। अगर हमारा बच्चा इमीडिएट क्राई नहीं कर रहा है, तुरंत जन्म के बाद में रोया नहीं है, तो आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं? ठीक है, पहले बच्चे को अपनी तरफ इस तरह से लिटाएंगे रेडियन बॉम्बर में। ठीक है, इस तरह से लिटेगा, उसके शोल्डर के नीचे शोल्डर रोल, ठीक है, शोल्डर रोल लगाएंगे। ठीक है, ये पोजीशनिंग हम बता रहे हैं, शोल्डर लोड लगाएंगे आप, सक्शन म्यूकस एक्सट्रैक्टर तैयार रखोगे, स्टेथोस्कोप तैयार रखोगे, बैग एंड मास्क तैयार रखोगे। ठीक है, फिर आपका इसमें क्या है, रेडियन बॉम्बर हमारा ऑन है 20 से 30 सेकंड पहले, 30 मिनट पहले। ठीक है, अब हम चार कंपोनेंट देखेंगे, बच्चा होते ही चार कंपोनेंट देखेंगे, उसका जेस्टेशनल एज देखेंगे कि बच्चा पूरा टर्म बेबी है, प्री टर्म है या फुल टर्म है। ठीक है, हमने देख लिया कि बच्चा पूरे टर्म बेबी है। ठीक है, चार चीज़ें देखी, जेस्टेशन एज देख लिया, फिर एम्नियोटिक फ्लूइड देख लिया, बच्चा पैदा हुए फ्लूइड क्लियर है या मेकोनियम पास है। अगर बच्चा मेकोनियम पास में, तो हम इमीडिएट कॉर्ड कट करेंगे, बच्चे को रेडियन बॉम्बर में लेके आएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसका ये ब्रीदिंग, उसका रेस्पिरेशन है या नहीं है, ब्रीदिंग सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, फिर उसकी क्राई है, फुड क्राई है, रो रहा है कि नहीं रो रहा, सांस लेने के साथ में रो रहा है नहीं रो रहा, और उसकी मसल टोन कैसी है। ठीक है, ये हम चार चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जेस्टेशन एज, एम्नियोटिक फ्लूड का कलर, बच्चा ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, और क्या देखेंगे, उसका ब्रीदिंग, क्राई। ठीक है, और चौथा है क्राई। ये सब देखने के बाद में हमें लगा कि द बेबी ये बर्थ की कंपोनेंट इज नो कर्टी कॉर्ड। अगर हमें इन चारों कंपोनेंट में से कोई कंपोनेंट लगता है कि वो नहीं है, तो तुरंत बच्चे की कॉर्ड कट करेंगे और उसको रेडियन बॉम्बर में लिटा देंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, रेडियन बॉम्बर परफॉर्म द इनिशियल स्टेप्स ऑफ रेसुसिटेशन। तो उसमें क्या PSDSR लिखो, PSDSR, पी मीन्स पोजिशन, पोजिशन करेंगे बच्चे को, उसके पोजीशन कैसे करेंगे, शोल्डर रोल लगाएंगे और बच्चे का नेक थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एस स्टिमुलेशन, पोजीशन करा। ठीक है, स्टिमुलेशन क्या है, उसके पैर में फ्लिक्स करेंगे या फिर टर्न करके बच्चे को स्टिमुलेट करेंगे बैक से। ठीक है, नहीं हुआ फिर बच्चे को हम, कभी नहीं हुआ तो बच्चे को हम ड्राई करेंगे इस तरह से, सारा उसका पूरा शरीर पहुँचेंगे, उससे भी स्टिमुलेशन होता है, बिफोर ड्राई हो गया। ठीक है, और फिर आ जाता है, फिर देखो पी फॉर पोजीशन, एस फॉर क्लियर, क्लियर एरिया में रिक्वायर्ड सक्शन। ठीक है, पी एस डी एस आर पोजीशन, फिर है सक्शन। ठीक है, हम सक्शन करेंगे, उसका सक्शन कैसे करते हैं, ओरल टू नेजल, पहले माउथ में करेंगे फिर नाक में करेंगे सक्शन। ठीक है, बी फॉर ड्राई, ड्राई करेंगे बच्चे को। ठीक है, एस फॉर स्टिमुलेशन, बच्चे को स्टिमुलेट करेंगे, उसकी इस तरह से बैक रब करेंगे और उसके पैर को फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आर फॉर रिपोजिशन। ठीक है, रिपोजिशन करेंगे, अगर हमें लग रहा है कि शोल्डर रोल ठीक से नहीं है, ये ठीक से नहीं है, तो हम रिपोजिशन करेंगे। ठीक है, रिपोजिशन कर लिया हमने।